नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं और अंत में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे जो अब तक के नीट एग्ज़ाम और टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आएगा। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा चैनल पहुँच सके। ओके, DNA is a long polymer consisting of monomer called deoxyribonucleotide. Means DNA एक long polymer की chain होती है और ये जो polymer है ये monomer से बनते हैं। ठीक है, DNA का जो monomer unit है वो deoxyribonucleotide है और ये monomer convert होता है polymer में by the process of पॉलीमराइजेशन। ओके, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू मोनोमर पॉलीमर में चेंज होता है और डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट, द डीएनए मॉलिक्यूल इज सेट टू बी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी हमने बताया जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जुड़ेंगे और जुड़ करके पॉलीमर बनाएंगे तो उस पॉलीमर को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए की मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के थ्री पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? थ्री पार्ट्स होते हैं। एक तो पेंटोज शुगर, दूसरी नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, जिसको बेस कहते हैं। ठीक है, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ओके, न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए तो अभी हमने आप लोगों को बताया न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर से मिलकर बने होते हैं। पेंटोज शुगर अभी हम लोग आगे देखेंगे दो तरह की होती है, एक तो राइबोज शुगर होती है और दूसरी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें फोर टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों आपस में जुड़ करके एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाती हैं जो डीएनए का मोनोमर है और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ये डीएनए की लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करती है। जब न्यूक्लियोटाइड बन रहा होता है और पेंटोज शुगर से जिस समय केवल कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड और साइड में डिफरेंस समझिएगा। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। जबकि जो न्यूक्लियोसाइड है, पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस जब अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस के जुड़ने से बनता है। अभी हम लोग आगे इस बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिस समय एक न्यूक्लियोटाइड बन रहा होता है, ठीक है, उस समय एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ओके, वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड बन रहे होते, जुड़ रहे होते हैं आपस में, तो अब दो न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, अब इन दोनों अटैच होंगे एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू। और वही बोल रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बनता है जब एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है तब इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जो मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके पॉलीमर बना लेते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक एक करके
न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेंटोज शुगर की। तो पेंटोज शुगर जो है ये कार्बोहाइड्रेट होती है बच्चों। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। अब कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ पेंटोज शुगर को उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो डीएनए में पाई जाती हैं, और दूसरी होती है राइबोज शुगर जो आरएनए में पाई जाती है। अब देखिए इसका फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है थोड़ा। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O4 है, जबकि जो राइबोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O5 है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर हैव 5 कार्बन। पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर पेंटोज शुगर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। किसके बेसिस पर बच्चों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। एक राइबोज शुगर में, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर में। ठीक है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो पेंटोज शुगर है वो 5 कार्बन का रिंग है। ठीक है, 5 कार्बन का शुगर होता है जिसमें से 4 कार्बन तो रिंग में होती है इस तरह से। ठीक है, जबकि 1 कार्बन रिंग के बाहर होती है। क्लियर है? ये कार्बन नंबर 1 होता है, इधर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और 5 बाहर की ओर होती है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर। ओके, पेंटोज शुगर की बात कर रहे थे। तो पेंटोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है। डीएनए की जो पेंटोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज टाइप की होती है। कौन सी होती है बच्चों? डीऑक्सीराइबोज टाइप की होती है। ये 5 कार्बन की पेंटोज शुगर होती है जो कि 2-डीऑक्सीराइबोज कहलाती है। क्यों? देखिए, सबसे पहले जो शुगर डिस्कवर हुई थी डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में, वो थी राइबोज शुगर। क्योंकि आरएनए के बारे में पहले पता चला था, फिर डीएनए के बारे में पता चला था। तो ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, देखिए इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 होता है। ओके, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 पर देखिए, यहाँ पर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और 1 कार्बन, 4 कार्बन तो रिंग में है, ये रिंग में दिखाई दे रहे हैं, और 1 कार्बन, 5th वाला कार्बन रिंग के बाहर होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब राइबोज शुगर में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कौन एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 से, यहाँ से कार्बन नंबर 2 से एक हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर खुद लग जाता है। तो जिससे राइबोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है किसमें? डीऑक्सीराइबोज शुगर में। देखिए यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 रिंग के बाहर है, और ये जो कार्बन नंबर 2 है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके कौन अटैच है? हाइड्रोजन अटैच हो गया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर की अगर बात करें, यहीं पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो होता क्या है कि जब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है तो हमने अभी बताया आपको, ये कार्बन 1 है, यहाँ पर देखिए डीएनए में ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 रिंग के बाहर है। तो कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, कोई भी हो सकता है चारों में से, और नाइट्रोजनस बेस और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जबकि जो इसका 5 वाला एंड होता है, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ओके, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप
अटैच होता है बाय द, अब देखो जब दो पेंटोज शुगर आपस में जुड़ेंगी है ना, तो दूसरी पेंटोज का फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा और पहली वाली जो पेंटोज शुगर है उसके थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में भी बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ओके। तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर अटैच्ड थ्रू द नाइट्रोजनस बेस, यानी पेंटोज शुगर की या डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो पहली कार्बन है वो अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस से बाय द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। तो ये हुई बात पेंटोज शुगर की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन रिंग। अब देखिए जो नाइट्रोजनस बेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है? क्योंकि ये रिंग में पाया जाता है। रिंग में तो पाया जाता है लेकिन इसमें दो तरह के कह सकते हैं हम लोग एटम पाए जाते हैं, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा कार्बन, ठीक है। तो इसके बेसिस पर और साथ ही साथ इसके रिंग के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर नाइट्रोजनस बेस को टू टाइप होते हैं, एक तो प्यूरीन होता है दूसरा प्रिमिडीन होता है। अब हम लोग देखते हैं प्यूरीन और प्रिमिडीन होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यूरीन की। तो प्यूरीन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्यूरीन में टू रिंग, प्यूरीन इज द टू रिंग स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना, प्यूरीन इज द टू रिंग स्ट्रक्चर। पहली रिंग जो होती है वो सिक्स एटम की होती है। एटम क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन अटैच होता है, जो कि पहली रिंग सिक्स कार्बन की होती है हेक्सासाइक्लिक, और दूसरी रिंग फाइव एटम की होती है, फाइव एटम की होती है जिसको इमिडाजोल रिंग कहते हैं। देखते हैं हम लोग इसको पहले डिटेल में क्या होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? प्यूरीन की। प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन इज अ हेट्रोसाइक्लिक। दिखा आपको हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर के इनकी साइकिल बनी हुई है, एरोमेटिक कंपाउंड है और टू रिंग स्ट्रक्चर है, और दोनों रिंग एक दूसरे से क्या होती है? फ्यूज्ड होती है। इसकी वन रिंग हेक्सासाइक्लिक होती है, सिक्स एटम वाली होती है, और जो सेकेंड रिंग होती है दूसरी रिंग इमिडाजोल रिंग कहलाती है जिसमें फाइव एटम पार्टिसिपेट करते हैं। अगर प्यूरीन का जनरल फार्मूला देखें तो C5H4 और N4 होता है। प्यूरीन्स का, प्यूरीन जो है वो पेंटोज शुगर से अटैच होती है एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है, प्यूरीन्स जो है, प्यूरीन पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच होती है, और जो प्यूरीन का नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम होता है वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है बाय एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है? प्यूरीन का नाइन्थ एटम, प्यूरीन का नाइन्थ एटम जो कि नाइट्रोजन होता है वो कार्बन के फर्स्ट एटम से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। अब देखिए प्यूरीन में दो होते हैं, एक तो एडनीन को रखा गया है, दूसरा ग्वानीन को रखा गया है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए, हमने बताया सिक्स एटम की रिंग हेक्सासाइक्लिक, फाइव एटम की रिंग इमिडाजोल। इसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, फिर 7, 8, 9। यही नाइन्थ वाला जो एटम है नाइट्रोजन का, ये अटैच होता है पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से, ओके। अब देखिए इसके सिक्स कार्बन पर अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है एडनीन में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्वानीन की।
तो ग्वानीन में सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी 6 एटम का हेक्सासाइक्लिक एक रिंग है और 5 एटम की इमिडाजोल रिंग है, ठीक है। तो जो हेक्सासाइक्लिक रिंग है उसके सेकेंड कार्बन पर एमीन ग्रुप अटैच है, जबकि 6th कार्बन पर कीटोन ग्रुप अटैच है, ओके। अब देखिए, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, तो इसका जो 9th वाला एटम है वो पेंटोज शुगर से के पहले एटम से एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, ओके। आई होप आप लोगों को प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिमिडीन की। किसकी बात करते हैं? प्रिमिडीन की बात करें तो प्रिमिडीन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड ये भी है, लेकिन इसमें केवल 1 रिंग पाई जाती। प्यूरिन में 2 रिंग हो रही थी, पाई जा रही थी, यहाँ पर 1 रिंग होती है। ये भी हेक्सासाइक्लिक होती है, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन की बनी होती है। इसका जनरल फॉर्मूला C4H4N2 होता है, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं पिरिमिडीन की। तो पिरिमिडीन भी नाइट्रोजनस पिरिमिडीन भी अटैच होता है शुगर के पहले कार्बन से बाय एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है। पिरिमिडीन का फर्स्ट पोजीशन पर लगने वाला एटम, ठीक है, अटैच होता है पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन एटम से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। जबकि प्यूरिन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्यूरिन में हम लोगों ने देखा कि उसका 9th एटम अटैच होता है किससे, पेंटोज शुगर के फर्स्ट एटम से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। जबकि प्रिमिडीन में क्या होता है, प्रिमिडीन में फर्स्ट पोजिशन पर जो एटम लगा होता है वो अटैच होता है किससे, पेंटोज शुगर के पहले एटम से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। अब देखिए, जो प्रिमिडीन है उसमें 3 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एक तो साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, आपको 6 रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पर नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th एटम, ठीक है। अब इसके 4th एटम पर एमीन ग्रुप और 2nd एटम पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये साइटोसिन है। यूरेसिल की बात करें तो इसके 4th एटम पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और 1 2nd एटम पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। थाइमिन की अगर बात करें तो पहले डिस्कवरी यूरेसिल की हुई है, फिर थाइमिन की हुई है। अब देखिए, थाइमिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर लगभग समान है, सेम है, 4th पर कीटोन है और 2nd पर भी कीटोन है, लेकिन 5th पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है, जो इसको यूरेसिल से अलग बना रहा है थाइमिन। और यही थाइमिन जो है ये प्रेजेंट होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड अभी हमने बताया आपको, जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से अटैच होती है, फॉस्फेट ग्रुप उसमें नहीं होता है, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पर एक पेंटोज शुगर दी हुई है, इसका फर्स्ट कार्बन ये है, 2nd, 3rd, 4th, 5th रिंग के बाहर है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से एक OH का मॉलिक्यूल और जो ये पिरिमिडीन प्यूरिन वाला स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, अब ये प्यूरिन का एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इनके बीच में बन जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से एडनीन का 9th एटम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ करके एक न्यूक्लियोसाइड बना रहा है, क्योंकि ये एडनीन का न्यूक्लियोसाइड है, इसलिए इसको एडिनोसिन कह रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि इसके कार्बन नंबर 2nd पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
इसलिए ये राइबो शुगर है, मींस ये राइबोन्यूक्लियोसाइड है। इसी प्रकार से ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। ओके, अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी एडेनिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिंग के बाहर है, ठीक है। तो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है, और एडेनिन का नाइन्थ वाला एटम पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, और इस प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर सेकेंड पर हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये डी ऑक्सी राइबो शुगर है, और अगर ये डी ऑक्सी राइबो शुगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे डी ऑक्सी एडिनोसिन। तो इस तरह से हमने एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड देखा, आरएनए में कैसा होता है और डीएनए में कैसा होता है। अब क्योंकि चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमारे पास डीएनए में, तो फोर टाइप के न्यूक्लियोसाइड भी तो बनेंगे, है ना। तो अगर एडेनिन अटैच होता है पेंटोज शुगर से तो डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानिन अटैच होता है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटोसिन अटैच होता है तो डीऑक्सी साइटोसिन, और थाइमीन अटैच होता है तो डीऑक्सी थाइमिडीन कहेंगे। ओके, मैं आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड अटैच हो, मतलब चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड एक डीएनए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड बनाने में पार्टिसिपेट करता है वो है फॉस्फेट ग्रुप। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड से अटैच हो जाता है वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो अ न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड, कब कहलाएगा, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच, जब उससे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। देखिए जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से अटैच हुआ था तो उसको न्यूक्लियोसाइड कह रहे थे, और इस न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो इसको न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। ओके, अब देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड कंटेन फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू फिफ्थ कार्बन शुगर ऑफ द फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर, है ना। तो जो इसका फॉस्फेट ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड में वो पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए न्यूक्लियोटाइड का, ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, और राइबोस पेंटोज शुगर है, इससे एडेनिन जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन से, अभी हम लोगों ने देखा था, और इसका फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर है, यहाँ से अटैच हो जाता है कौन, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसी प्रकार से ये डी ऑक्सीराइबोज शुगर है जिससे एडेनिन का एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इसका फिफ्थ कार्बन ये है, और इस फिफ्थ कार्बन से जुड़ जाता है कौन, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है किसका, एडेनिन का। अब देखिए कह रहे फॉर एनी वन न्यूक्लियोटाइड द फॉस्फेट अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा और उसके जगह पर फिफ्थ कार्बन पर जा करके अटैच हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, है, एट द फिफ्थ पोजिशन ऑफ शुगर इन टर्न बॉन्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन थ्री कार्बन। और जब दो पेंटोज शुगर आपस में अटैच होगी तो फर्स्ट पेंटोज शुगर का थर्ड कार्बन, हाँ, और जो सेकेंड पेंटोज शुगर होगी उसका फिफ्थ कार्बन, दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे, बीच में फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, और बनाएंगे फॉस्फेट हाइड्रोक्सिल बॉन्ड जो कि एक एस्टर बॉन्ड होता है, इसीलिए इस बॉन्ड को 3'5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहली पेंटोज शुगर, और ये देखिए आप स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये
पहली पेंटोज शुगर है, ये दूसरी पेंटोज शुगर है। पहली पेंटोज शुगर का थर्ड कार्बन ये है, दूसरी पेंटोज शुगर का फिफ्थ कार्बन ये है। दोनों एक दूसरे से फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ये फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से अटैच है, किसके थ्रू? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो ये एक तरीके से पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गई। इसी तरह से नंबर ऑफ पेंटोज शुगर अटैच होते जाएंगे, फॉस्फोडाइस्टर बनता जाएगा पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, और एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन करके हमारी तैयार हो जाएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं चारगोफ रूल की। चारगोफ रूल की अगर बात की जाए तो चारगोफ रूल दिया था अरविन चारगोफ नाम के साइंटिस्ट ने 1950 में। ओके, इन्होंने बोला था द परसेंटेज ऑफ एडनीन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ थाइमीन, मतलब कि जितना एडनीन होगा उतना ही थाइमीन होगा, एंड द परसेंटेज ऑफ ग्वानीन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, और जितना ग्वानीन होगा एक डीएनए में उतना ही साइटोसिन होगा। बात समझ में आई? यानी कि दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई कि द परसेंटेज ऑफ एडनीन प्लस ग्वानीन, जो कि प्यूरीन वाला पार्ट है ना, 50% होता है। परसेंटेज ऑफ थाइमीन प्लस साइटोसिन ये भी 50% होता है। मीन्स कि जितना एक डीएनए में प्यूरीन होगा उतना ही क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। बात समझ में आ रही है? जितना प्यूरीन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एडनीन थाइमीन ग्वानीन एंड साइटोसिन इन डीएनए वेरीज स्पीशीज टू स्पीशीज, यानी कि एडनीन थाइमीन ग्वानीन और साइटोसिन का अमाउंट हर एक स्पीशीज में अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एडनीन एंड थाइमीन एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानीन साइटोसिन हमेशा क्या रहेंगे, हर एक स्पीशीज में कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया प्यूरीन यानी एडनीन और ग्वानीन, प्रिमिडीन और थाइमीन और साइटोसिन दोनों का परसेंटेज क्या होता है, बराबर होता है डीएनए में। ऐसा नहीं होगा कि थाइमीन ज़्यादा हो जाए और एडनीन कम हो जाए, है ना, इससे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके,